जी नेक्स्ट कॉलर आप लाइन पर हैं, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम हजरत, ये हम रमजान मुबारक है, तो कैसे हैं? खैर मुबारक माशाल्लाह। अच्छा हजरत, मेरा एक सवाल था, मैं फराज बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क से, और मेरा सवाल था, बड़ा अच्छा टॉपिक चल रहा है। तो ये सवाल था कि कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ लोग जो होते हैं अपने बच्चों को, यानी अभी बच्चे, अभी नाबालिग बच्चे होते हैं, उनको बचपन में ही वो बुजुर्गों से बैत करवा देते हैं। तो क्या ये तो, और मतलब ये होता है कि बड़े होकर उसको होता है कि भाई फिर उसको मतलब, तो ये क्या पहली बात है कि जायज है, और अगर वो बड़ा हो जाए, बाले हो जाए, तो वो क्या फिर वो अपनी बैत का चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता? तो ये सवाल है। अच्छा फराज, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। हजरत से इसकी तफसील है। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सवाल किया तुमने भाई। और वाकई ऐसा होता है कि बुजुर्गों से लोग अपने बच्चों को बैत करवा देते हैं, और फिर ये मकसद ये होता है कि चलो ये बुजुर्ग की हुई बरकत इसको मिले। हाँ, तो बचपन में जो बैत होती है वो उसको कहते हैं बरकत के लिए बैत होती है, वो बरकतन बैत होती है, वो इस्लाहन और इरशादन बैत नहीं होती। कि इंसान इसलाह इरशाद के लिए जब बैत करता है, अपनी दीनी इसलाह के लिए, अपनी फिक्री इसलाह के लिए जो बैत करता है, ये वो बैत नहीं है, क्योंकि वो तो मासूम नाबालिग बच्चा है। तो नाबालिग बच्चे की जो बैत होती है वो बरकतन होती है, तो बरकत के लिए वो उससे बैत हो गए। मकसद क्या होता है, इन पीर मुर्शद के साथ एक बरकत की निस्बत कायम हो जाएगी, तो बच्चा हमारा जो है वो सही दीन और ईमान के ऊपर कायम रहेगा, इसकी दीनी इसलाह और फिक्री इसलाह होती रहेगी, और कल को इसकी ज़िंदगी पर अच्छा असर पड़ेगा। अब रहा ये सवाल कि ये जब बड़ा हो जाएगा, अकल बालिग हो जाएगा, तो अब इसको इजाज़त है या नहीं अपने पीर बदलने की? इसको इजाज़त है, अब अपने अपनी पूरी अकल व फहम के साथ, सोच विचार करके, अपनी तबीयत की मुनासिबत के साथ वो किसी भी सही अकीदा पीर मुर्शिद का बैत हो सकता है, और वो जिससे बचपन में बैत हुआ उसी बैत को आगे ले जाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर वो ले जाना चाहता है कि यार ये तो मेरे बचपन से मेरे पीर मुर्शिद हैं, लिहाजा मैं इन्हीं से बैत होता हूँ, अब वो दोबारा उनके हाथ पर बैत हो, ये जो बैत होगी ये बैत जो इसरा इरशाद की बैत होगी, जिसके जरिए से उसको मनाजिर सुलूक तय कराए जाएंगे, ये है। तो इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, तो अगर वो बदलना चाहे तो बिल्कुल पीर मुर्शिद को दूसरा पीर मुर्शिद अपनी तबीयत के मुताबिक देख के अपनी इसरा इरशाद करवा सकता है। अच्छा माशाल्लाह।